बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज़ द लाहौर गैरिसन स्कूल। आई होप ऑल ऑफ यू विल बी फाइन विद द ग्रेस ऑफ अल्लाह। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट आर लेक्चर नंबर 38, दैट इज़ यूनिट 4, हु डिड पैट्रिक्स होमवर्क। पैट्रिक का होमवर्क किसने किया। नाउ द क्वेश्चन इज दैट एट अ वर्ड दैट राइम्स विद द अंडरलाइन वर्ड, चूज फ्रॉम द लिस्ट बिलो। Dear students, you have to choose a rhyming word with the underlined word from the list. नीचे जो red color से words लिखे हुए हैं उनमें से आपने एक word select करना है जो कि rhyming word होगा नीचे दिए गए sentences में जो underlined words हैं उनका। A part is my mom can't stitch because the sewing machine has a glitch. मेरी मम्मा कपड़े नहीं सी सकती बिकॉज क्योंकि द स्विंग मशीन सिलाई मशीन हैज़ अ ग्लिच, उसमें एक ग्लिच मीन्स स्मॉल प्रॉब्लम, उसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम है। नाउ द अंडरलाइन वर्ड इज स्टिच एंड यू हैव टू चूज इट्स राइमिंग वर्ड फ्रॉम द लिस्ट दैट इज ग्लिच। एंड बी पार्ट इज द लिटिल मैन्स फेस स्प्रिंकल्ड एज शी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन हिज फेस। छोटे आदमी के फेस पर रिंकल मींस गुस्से की वजह से लाइंस का नमूदार हो जाना, दैट इज़ कॉल्ड रिंकल। छोटे आदमी के फेस पर लाइंस नमूदार हो गई गुस्से की वजह से, एज जैसे ही शी स्प्रिंकल्ड वाटर ऑन हिज फेस, जैसे ही उसने उसके फेस पर वाटर को स्प्रिंकल किया। स्प्रिंकल मींस अ स्मॉल क्वांटिटी और अमाउंट ऑफ समथिंग स्कैटर्ड ओवर एन ऑब्जेक्ट और सरफेस। स्प्रिंकल का मतलब होता है छींटा लगाना। हेयर द अंडरलाइन वर्ड इज रिंकल्ड एंड इट्स राइमिंग वर्ड इज स्प्रिंकल्ड। नेक्स्ट सी पार्ट इज आई डोंट लाइक डूइंग एनी हाउस होल्ड चोर बिकॉज इट्स अ रियली बोर। आई डोंट लाइक, मुझे नहीं पसंद डूइंग करना एनी हाउस होल्ड चोर, कोई भी घर का चोर मीन्स अ रूटीन टास्क स्पेशली अ हाउस होल्ड वन। चोर का मतलब होता है घर के ऐसे छोटे मोटे काम जो आपको डेली बेसिस पर करने होते हैं। मुझे घर के ये काम करना नहीं पसंद बिकॉज क्योंकि इट्स अ रियली बोर, क्योंकि ये बहुत बोरिंग होते हैं। बोर मीन्स अन इंटरेस्टेड, जिसमें आपको कोई इंटरेस्ट ना हो। सो हेयर द अंडरलाइन वर्ड इज चोर एंड इट्स राइमिंग वर्ड इज बोर। And D part is she became very rude and spoiled my mood. She became, वो हो गई very rude, बहुत ज़्यादा rude हो गई। Rude means bad mannered, ill behaved. Rude means बहुत फ़खर गरूर से बात करना और बुरे तरीके से बात करना। And spoiled, और उसने ख़राब कर दिया my mood, मेरा mood ख़राब कर दिया। Here the underlined word is rude and its rhyming word is mood. That I select from the list. And E part is I will grant you a wish, मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा या करूँगी। If you give me a fish, अगर आप मुझे एक fish दोगे तो मैं आपकी एक ख्वाहिश पूरी करूँगा या करूँगी। Now here underlined word is wish and its rhyming word is fish. Dear students, I hope all of you have understood this lecture very well. Learn it at home. Stay blessed. Be happy. Thank you and Allah Hafiz.